हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। होडल से भाजपा प्रत्याशी जगदीश नायर की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही एक वीडियो ने जगदीश नायर की नींद हराम कर दी है। वीडियो में भाजपा प्रत्याशी जगदीश नायर द्वारा चार समाज के लोगों के लिए अभद्र टिप्पणी का जिक्र किया गया है, जिसमें 100 रुपए में कुर्ते वाली बात को विपक्षियों द्वारा हाथों हाथ लेकर जमकर प्रचार किया जा रहा है, जिसे जाट समाज के लोगों द्वारा भारी नाराजगी जाहिर की जा रही है। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी जगदीश नायर द्वारा एक वीडियो जारी कर इस वीडियो को विपक्षियों की साजिश करार दिया गया है। नमस्कार सज्जनों, मैं जगदीश नायर पूर्व मंत्री प्रत्याशी भाजपा आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे खिलाफ एक वीडियो वायरल किया हुआ है, जो वीडियो सरासर झूठ है और हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो मेरे खिलाफ नई अफवाहें उड़ाते रहते हैं। मैं विधानसभा क्षेत्र वासियों से अपील करता हूं, उस वीडियो की ऊपर ना जाके उसकी सच्चाई में जाएं और उनसे पूछें कि वो वीडियो सारा चलाएं। क्या मैं दो शब्द ही बोलता? मैं अगर मैं भाषण देता तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण देता, क्या मैंने दो शब्द ही बोले? वो वीडियो बिल्कुल सरासर झूठा है। मैं पहले गीता की कसम में कह चुका हूँ, ये वीडियो बना के छोड़ने मेरे खराब करने के लिए छोड़ा गया है और इसके बहकावे में ना आके मैं हमेशा जाट समाज का पूजा सम्मान करता आया हूँ। जाट समाज मेरे लिए पूजनीय है और कहीं भी मेरे से कोई त्रुटि हुई है जीवन में जिससे जाट समाज को आघात पहुँचा है, दुख पहुँचा है, मैं उसके लिए कई बार क्षमा मांग चुका हूँ, मंच से क्षमा मांग चुका हूँ और इस वीडियो के बहकावे में न आए। मैं उदयवान नहीं हूँ, मैं जाट विरोधी नहीं हूँ, मैं जाट हूँ, जाट मेरे प्रिय हैं, मैं जाटों का प्रिय हूँ। जाट समाज ने मुझे आज तक जो ना यहाँ तक पहुँचाने में पूरा योगदान दिया है। कुछ शरारती लोग, कांग्रेसी पार्टी के लोग हमारे खिलाफ नए नए अफवाहें उड़ा के बाजार में और वीडियो वायरल करके फेंकते रहते हैं। पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें मुझे पीटते हुए दिखाया गया था और वो वीडियो भी झूठा निकला, ये वीडियो भी झूठा है। इस तरीके की अफवाहें उड़ा के हमारी छवि को ख़राब किया जा रहा है और जाट समाज से मैं अपील करता हूं कि मैं आपका हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें और इस वीडियो की जांच कराने के लिए मैं चुनाव के बाद जो भी बड़ी से बड़ी जांच होगी उसे करा कर आपके सामने इसका झूठ और सच लाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।